बहुत बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मूसेवाला हत्याकांड पर, मूसेवाला मर्डर पर बहुत बड़ी खबर। हत्या के आरोपियों के साथ मुठभेड़, जगरूप, रूपा और मन्नू के साथ इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि पुलिस इस वक्त इन दोनों के साथ मुठभेड़ में है। इनको आइडेंटिफाई कर लिया है। 29 मई से लेकर 21 जून तक ये पंजाब में ही घूम रहे थे, सीसीटीवी में ये दिख गए। 21 जून की ये तस्वीर, चमन पलानिया की ये खबर है। जुड़ रहे हैं हमारे साथ डिटेल्स के साथ। जी चमन, कहाँ पे चल रही है ये मुठभेड़? जी अनंत, देखिए ये पंजाब के जो भारत पाकिस्तान सीमा से सटे अमृतसर में अटारी एक गांव में, जो चीचा भकना गांव है, और वहां पर ये जो है मुठभेड़ गैंगस्टरों के बीच जो है पंजाब पुलिस की एंटी टास्क फोर्स है उनके बीच चली हुई है। और अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जो दो गैंगस्टर अभी जो है फरार चल रहे थे, मनप्रीत सिंह मन्नू खोसा और जगदीप रूपा, वो काफी जो लगभग अभी सिद्धू मूसेवाला 29 मई की घटना में ये शामिल हुए थे। सिद्धू मूसेवाला का जब इन्होंने मर्डर किया था तो उसके बाद ये फरार चल रहे थे। तो आज पुलिस को जो है इनकी सूचना मिली थी, और उसके बाद जो है ये भारत पाकिस्तान से सटे अटारी में जो ये गांव है वहां पर छिपे हुए थे, और वहीं पर जो है अभी फिलहाल जो है इनका जो है पुलिस और गैंगस्टरों के बीच जो है वो मुठभेड़ चली हुई है। जी जी, तो आप ये कह रहे हैं कि 21 जून को ये जो दो सवार जगरूपा और उसके साथ उसका साथी, ये दोनों जब मिले हैं, ये दोनों जो दिखे सीसीटीवी में पकड़े गए, ये अटारी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर के पास वहां पर एक गांव में मिले, लेकिन आपने कहा गैंगस्टरों के साथ मुठभेड़ है, तो क्या इन दोनों के साथ और भी लोग हैं, जगरूप, रूपा और मन्नू के साथ? जी देखिए, अभी तक पंजाब पुलिस की तरफ से यही इंफॉर्मेशन आई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इनके साथ कुछ और भी गैंगस्टर हो सकते हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई को होती है और उसके बाद से लेकर अब तक ये फरार चल रहे हैं। लगभग जो है अब इतने दिन होने के बाद अगर ये कहीं इनको शेल्टर जब किसी गैंगस्टर के द्वारा दिया गया होगा तो तभी इतने दिनों तक पंजाब में ही छिपे हुए हैं, क्योंकि जिस दिन से मूसेवाला की हत्या हुई है तभी से लेकर जो है पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस भी इनकी खोज में लगी हुई थी, क्योंकि इस मामले में जो है लगभग जो है कई आरोपी जो है पकड़े गए हैं। यही दो आरोपी जो जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर जो है गोली चलाई थी, तो ये तब से ही लेकर जो है फरार चल रहे थे, और अब इनको जो है पंजाब पुलिस की जो एंटी टास्क फोर्स है उनके बीच जो है अब इनका जो है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इनके बीच जो है वो मुकाबला चला हुआ है। जी जी चमन, धन्यवाद इस अपडेट के लिए। तो यानी 29 मई से लेकर 20 जुलाई तक ये पंजाब में ही छिपे फिर रहे थे, लेकिन इनको अब धर लिया गया है, इन द सेंस कॉर्नर कर लिया गया है, और इनके साथ मुठभेड़ चल रही है अटारी के पास एक गांव में, इनको धर लिया गया है। इसी पर आएंगे लौट कर एक ब्रेक के बाद।